इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। मूरतगंज चौकी प्रभारी सूबेदार बिंद ने भ्रमण करते हुए दो दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर किया चालान। कौसाम्बी कोखराज थाना क्षेत्र मूरतगंज चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद हेड कांस्टेबल राम कुमार दुबे हेड कांस्टेबल हिंदलाल व अपने हमराहियों के साथ मूरतगंज बाजार का भ्रमण करते समय एक शूज की दुकान महामाया फुटवियर खुली मिली दिखी। जहां कुछ लोगों को एकत्रित देखा, चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद ने दुकान पर रुक कर जांच की। जांच के दौरान पता चला कि 3 ग्राहक दुकान के अंदर बैठे हैं। जो ग्राहक जूते चप्पल खरीद रहे थे, यह सब देख चौकी इंचार्ज ने नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक मक्खन लाल साथ ही उसी दौरान आगे आने पर कुमार ब्रदर्स मेडिकल स्टोर में भी नियम का पालन न देख मेडिकल स्टोर मालिक प्रदीप कुमार एवं सहकर्मी अभिषेक के खिलाफ धारा 188/269 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाजार में दुकानदारों को नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ अनाउंसमेंट करते हुए कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स झारखंड टीम प्रभारी मनोज कुमार सिंह द्वारा घर पर ही लोगों को राशन वितरण किया गया। जनपद रांची से मनोज कुमार सिंह पूर्व सांसद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी लॉकडाउन के दौरान लोगों के मदद हेतु बराबर लगे हुए हैं। आसपास के कार्य कई क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को मास्क कच्चा राशन भोजन आदि वितरण किया। आज उन्होंने अपने घर पर ही कई चिन्हित गरीब लोगों को प्रतिदिन की भांति राशन वितरण किया। इसी क्रम में वेस्ट बंगाल से क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स टीम सदस्य विकास चौधरी ने कोलकाता के वार्ड नंबर 14 से समाज सेवी सुनील जी की मदद एवं सहयोग से कई दिनों में वितरण करते हुए आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर ही रहकर क्षेत्रीय गरीब बासिंदों को कच्चे राशन का वितरण किया गया। उनके इस सामाजिक कार्य की क्षेत्र के लोगों ने भरपूर प्रशंसा की। मूरतगंज युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं समाज सेवी शैलेंद्र कुमार द्वारा कराया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जनपद कौसाम्बी मूरतगंज में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शैलेंद्र कुमार द्वारा संचालित कुमार मेडिकल स्टोर में ग्राहकों को जागरूक करने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के पालन एवं मास्क हैंड ग्लव्स आदि के उपयोग हेतु छोटी छोटी तख्तियों को लगाकर जागरूक किया जा रहा है। यही नहीं, यदि कोई ग्राहक नियमों का अनदेखा कर मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देता है तो उसे दवा नहीं दी जाती है। उनके ऐसा करने से लोगों में इसका प्रभाव पड़ा, जिससे सभी ग्राहक मास्क लगाकर एवं बनाए गए घेरों में ही खड़े होकर दवा लेते हैं। आपको बताते चलें कि शैलेंद्र कुमार द्वारा पिछले कई दिनों तक गरीब परिवारों को राशन किट मास्क आदि का वितरण भी किया गया है, जो कि क्षेत्रवासियों में सराहना का विषय बना हुआ है।